नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं क्रिकेट मसाला यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूं आईपीएल 2021 में किस टीम की लगेगी बाट और किसकी नहीं, यानी कि आज हम आपको बताने वाले हैं आपके पसंदीदा टीम को प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए कुल कितने पॉइंट्स की जरूरत है। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं अपन पंजाब किंग्स की टीम की। तो दोस्तों पंजाब ने इस बार आईपीएल में 9 में से 3 मुकाबले जीते हैं और अब उन्हें प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए अपने बाकी बचे सभी मैचों को जीतना होगा। इसके बाद बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद यानी कि एसआरएच की टीम की। तो दोस्तों एसआरएच की राय इस बार आईपीएल में बहुत ही मुश्किल होने वाली है, क्योंकि उन्होंने अब तक 8 में से केवल एक ही मुकाबला जीता है और अगर हैदराबाद को प्लेऑफ में पहुंचना है तो उन्हें अपने बाकी बचे 6 मैचों में से सभी मैचों को जीतना होगा और वो भी बड़े मार्जिन से। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस। तो दोस्तों मुंबई ने इस बार आईपीएल में 9 मैचों में 4 मैचों में जीत हासिल की है और अगर मुंबई को प्लेऑफ में पहुंचना है तो मुंबई को अपने बाकी बचे 5 में से 4 मैचों में जीत हासिल करनी ही होगी। इसके बाद बात करते हैं केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की। तो दोस्तों कोलकाता ने इस बार कुल मिलाकर 9 में से 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है, लेकिन कोलकाता को नेट रन रेट का फायदा मिल सकता है और इसलिए केकेआर को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने बाकी बचे 5 में से 3 मैचों में जीत हासिल करनी होगी। अब बात करते हैं आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की। दोस्तों इस बार आरसीबी का शुरुआती सीजन शानदार रहा, लेकिन बाद में आरसीबी लड़खड़ा गई और आरसीबी ने अपने 8 में से कुल मिलाकर 5 मैचों में जीत हासिल की है। और दोस्तों अगर विराट की टीम को इस बार प्लेऑफ में पहुंचना है तो अपने बाकी बचे 6 में से 3 मैचों में जीतना जरूरी है। अब बात करते हैं आरआर यानी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम की। तो दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस बार खेले गए 8 मुकाबलों में 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है और अगर राजस्थान को प्लेऑफ में पहुंचना है तो उन्हें बाकी बचे 6 में से 4 मुकाबलों में जीतना होगा। अब बात करते हैं सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की। दोस्तों इस बार सीएसके ने 8 में से 6 मुकाबलों में जीत हासिल की है, हालांकि सीएसके का नेट रेट सबसे बेस्ट है और इसी कारण अब उन्हें प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बाकी बचे 6 में से केवल एक मुकाबले को जीतना होगा और सीएसके की टीम प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं डीसी यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम की। तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 9 मैचों में से 7 में जीत हासिल की है और दिल्ली की टीम इस बार पॉइंट टेबल में टॉप पर है और उन्हें प्लेऑफ में पहुंचने के लिए केवल एक जीत की जरूरत है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो से लेता हूं अलविदा। और हाँ यार, आप अपनी पसंदीदा टीम का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ यार, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं क्रिकेट के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।